सो वोटिंग लाइंस बंद हो चुकी हैं और वोटिंग लाइन बंद होने के बाद जो फिगर्स सामने आ रही हैं बेहद चौंकाने वाली है। हालांकि हर फैंडम ने अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की है, लेकिन ट्रॉफी एक ही है और एक ही लेकर जाएगा। तो जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं वो इसलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि इन ट्रेंड के हिसाब से अब ट्रॉफी एल्विश क्या ऑलरेडी अपने नाम कर चुका है। सोशल मीडिया पर लगातार, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मेरे अपने कोई ये रिसर्च डाटाज नहीं है, जो सोशल मीडिया पर बड़े बड़े हैंडल्स हैं जो पोस्ट करते हैं क्लोजिंग ट्रेंड्स, ये उनके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रही हूँ और उनके आधार पर एल्विश ये गेम क्या ऑलरेडी जीत चुका है। 81% वोट उसको मिले हो पूरे 100% में से, ये खबरें जो है सामने आ रही हैं। और अगर परसेंटेज की बात ना भी की जाए तो ये कहा जा रहा है कि एल्विश को बहुत सारे वोट्स मिले हैं, तो अपने आप में ये चौंकाने वाली बात है क्योंकि जहां सीजन की शुरुआत में मिड सीजन तक अभिषेक हो रहा था, और यकीन मानिए ये पिछले 3 हफ्तों में गेम बदला है। एल्विश के आने के बाद भी 1 या 2 हफ्ते ऐसा नहीं था कि एल्विश एल्विश था, फुकरा ही ट्रेंड कर रहा था, लेकिन ये पिछले 1-2 हफ्तों में जो गेम बदला है उसके बाद अब एल्विश जो है वो आगे है और फुकरा पीछे छूट गया है। तो यह पहली बार हिस्ट्री में ऐसा होगा कि कोई वाइल्ड कार्ड जो है वो जीतता हुआ नजर आएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं, और आज फिनाले के सारे अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ।